गुड़गांव के अंदर शायद ही कोई ऐसा बार, क्लब या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे इसके पाइंट बॉटल या कैन की पेटी आपको ना मिले। अच्छा, अभी हमारे पास जो ऑफर चल रहा है वो इस पर है। मेरी स्टार्टिंग ही इस बियर से हुई, मुझे पता चला था कि बियर होती है। अच्छा, अगर आप आओगे तभी यहाँ पे वैरायटीज देख पाओगे, काफी सारी वैरायटीज है इंपोर्टेड की और इंडियन की। तो जैसे कि भाई गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और यहाँ का माहौल भी देखो गर्मी के हिसाब से, तो मैं जैसे कि सबको पता ही है मैं आ चुका हूँ फिर से एक बार जी टाउन वाइन शॉप पे जो कि ब्रिस्टल होटल के नीचे पड़ती है। और आज की वीडियो में स्पेसिफिक मैं दिखाऊंगा भाई आपको बियर की वैरायटीज। और बाकी अंदर चलते हैं, अपने शिवम भाई से भी मिलते हैं और काफ़ी सारी एक्सप्लोर करते हैं नई नई बियर जो मैंने भी नहीं देखी है भाई कभी। और बाकी एक खास बात बताऊं भाई इस वाइन शॉप की, लिटरली अभी हो रहे हैं 3 बज रहे हैं, आप भी देख सकते हो 3 बज रहे हैं और 3 बजे भी ये शॉप ऐसा यहाँ पे हो रहा है जैसे कि अभी 8-9 बज रहे हो। एक बार देख सकते हो लोकेशन भी कितनी चहल पहल है, मतलब लग ही नहीं रहा भाई 3 बज रहे हैं। और ये चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं बियर की वैरायटीज। तो गाइज आ चुके हैं अपन एक बार फिर से अंदर शिवम भाई के पास। शिवम भाई कैसे हो? बाकी शिवम भाई को आज फिर से तंग करने हम आ चुके हैं और आज की वीडियो स्पेसिफिक होने वाली है बियर के ऊपर। बियर्स का जैसे आपको पता भी होगा कि डे हो चाहे नाइट हो, ठीक है, गर्मियों के टाइम में ना बियर्स की जो सेल होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है स्कॉच विस्की के मुकाबले। हाँ जी, तो शिवम भाई कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपनी किंगफिशर आती है, सुना भी होगा आपने, जो मैं दिखा देता हूँ। इंडियन बियर्स में सबसे पहला ब्रांड ये है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है। इसकी जो सिंगल बॉटल प्राइस है वो 180 रहेगी और अगर आप इसकी कैन इसकी पेटी लेते वो आपको 1600 रुपये की पड़ेगी जिसमें 12 बॉटल आएगी। 1600 रुपये की पेटी पड़ेगी? हाँ जी, रेगुलर रनिंग बेसिस पे बिकती है भाई, काफ़ी बिकती है तो यार। और मेरे हिसाब से मेरी स्टार्टिंग ही इस बियर से होती है, मुझे पता चला था कि बियर होती क्या। अच्छा, टोटली बियर है आपकी ट्यूबॉन्ग स्ट्रॉन्ग बियर, ठीक है। ये इसकी जो सिंगल बॉटल प्राइस है वो 180 है और अगर आप इसका केस लेते हैं वो आपको 1600 रुपये का पड़ेगा जिसमें आपको 12 बॉटल मिलेगी। 1600 रुपये का केस पड़ेगा? हाँ जी। और वैसे किंगफिशर के मुकाबले जो लोग ट्यूबॉक्स पीते हैं उनके लिए एक चीज़ क्या है कि उन लोगों का खोलने का जो स्टाइल है वो इस तरीके से, मतलब इसमें आपके दांत तो ख़राब नहीं होंगे, ये ऑन द रॉक्स आप ऐसे खोल सकते हो। ओपनर फ्री इसके। तो गाइस कभी आपने ट्यूबॉक्स की इतनी वैरायटीज देखी है? भाई मैंने तो नहीं देखी, बाकी यहाँ पे ट्यूबॉक्स की मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी वैरायटीज है, तो शिवम भाई इसके बारे में बताओ ज़रा। ट्यूबॉक्स में आपको हमारे पास में जो ट्यूबॉक्स स्टॉक मैंने आपको दिखाई थी ये ट्यूबॉक्स ग्रीन है, लाइट बियर है, यानी जो इसके अंदर में अल्कोहल कंटेंट 8% आता है इसके अंदर में आपको अल्कोहल कंटेंट 5-6 मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, ये मतलब प्रीमियम बियर के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद में इसी के अंदर एक ट्यूबॉक ये भी आती है जो स्कॉच मॉल्ट क्लासिक के नाम से, स्कॉच मॉल्ट वाली। हाँ जी, ट्यूबॉक के अंदर मतलब ये ना उसका थर्ड वेरिएंट है जो कि स्कॉच मॉल्ट एडिशन में आता है, ठीक है। ये आपको बहुत रेयर या फिर बहुत कम देखने को मिलेगा। अच्छा, बट हमारे पास जी टाउन में इस ब्रांच के अंदर या फिर हमारी जितनी भी ब्रांच है वहाँ पे आपको स्कॉच मॉल्ट भी मिलेगी। अच्छा जी, अपने पास में जो आपकी ये आती है ट्यूबॉक आती है, ठीक है, ये ट्यूबॉक लाइट है जिसका पर कैन 180 के हिसाब से पड़ेगा, केस 2600 के हिसाब से, जिसमें 24 कैन आपको मिलेगी। 24 कैन मिलेगी? हाँ जी, ट्यूबॉक्स के अंदर मतलब ये लाइट है। और जिसका स्ट्रॉन्ग आती है उसका भी यही प्राइस है, सेम सिंगल 180 और केस लेंगे 2600 के हिसाब से, ठीक है जी। ठीक है, अगली मैं दिखाता हूँ जो आपकी ये आती है ब्रो कोड, यानी जो ब्रो कोड की बियर आती है जिसके अंदर में 15% अल्कोहल कंटेंट दिया होता है, ठीक है, ये उसी की ब्रो लाइट रोजे बियर, मतलब इसे बियर नहीं कह सकते, ये एक वाइन कह सकते हैं, इस पे लिखा भी होता है ब्रूट रोजे। हाँ जी, यानी अगर आप कभी आपने वाइन पी हो जो कि वाइन स्किनी वाइन की जो वो होती है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कभी वाइन ट्राई करनी हो या वाइन के पैसिफिक में या उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ यूज़ करना हो तो उसमें आप ब्रो कोड को यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या होने वाला है? प्राइस इसका 160 है और केस इसका पड़ेगा आपको 3000। 3000 रुपये का? हाँ, क्या दिखाओगे शिवम भाई नेक्स्ट? अगली फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको जो ट्यूबॉक्स और किंगफिशर दिखाई थी उसी रेंज में आपको मिल जाएगी थंडर बोल्ट प्रीमियम बियर, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग बियर में काउंट होती है। इसका प्राइस भी 180 है और अगर आप इसका केस लेंगे वो आपको
1600 के हिसाब से पड़ेगा, जिसमें आपको 12 बॉटल मिलेंगे। 1600 में 12 बॉटल। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ कार्ल्सबर्ग एलिफेंट, जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, कार्ल्सबर्ग एलिफेंट के नाम से बियर आती है, ठीक है। इसके अंदर दो वैरायटी होती हैं, एक लाइट होती है, ठीक है, यानी स्मूथ, और एक स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे तो ये लूज है, बट कंपनी ने क्या इनको पैक में चार का पैक बना रखा है, ठीक है। सिंगल कैन इसका जो है वो 230 का है, एक कैन आपको 230 का पड़ेगा, और अगर आप कैन का पूरा एक केस लेते हैं यानी 24 कैन, तो आपको 3000 रुपये के हिसाब से पड़ेगा, जिसमें आपको 24 कैन मिलेंगे। कार्ल्सबर्ग एलिफेंट स्ट्रॉन्ग 3000 रुपये का मतलब केस मिलेगा इसका। हाँ जी, जिसमें आपको 24 कैन मिलेंगे, ठीक है। ये कार्ल्सबर्ग स्मूथ का पॉइंट है मेरे हाथ में, ठीक है, जिसका सिंगल पॉइंट 140 का है, और अगर आप इसका केस लेते हैं वो आपको 2500 रुपये का पड़ेगा, जिसमें आपको 24 पॉइंट मिलेंगे 330 ml के। अच्छा जी, 2500 का तो गाइस चेक कर सकते हैं इसका पॉइंट मिलने वाला है आपको कार्ल्सबर्ग का। उसी की रेंज में, मतलब मिड रेंज, जैसे ट्यूबॉक, किंगफिशर और थंडरबोल्ट जो मैंने दिखाई थी, ठीक है, उसी की रेंज में आपकी आती है ये बीराबू, जिसके ऊपर मेंशन भी होता है सुपर स्ट्रॉन्ग बियर। तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग और सुपर स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ जी, तो स्ट्रॉन्ग वैरायटी के अंदर में ना बीरा बूम, ट्यूबॉग और किंगफिशर, ये तीन वैरायटी ऐसी होती है, और एक हाँ ये आपकी थंडरबोल्ट। जो तो गाइस अभी हम वैसे इंडियन सारी बियर कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इंपोर्टेड का भी काफ़ी सारे यहाँ पे वैरायटीज है, तो इंपोर्टेड भी बाद में हम कवर करेंगे। तो बीरा बूम का प्राइस क्या होने वाला है शिवम भाई? बीरा बूम का जो सिंगल बॉटल है और कैन या फिर बॉटल आप जो मर्जी ले लीजिए, उसका आपको 180 पड़ेगा कैन का, ठीक है। और अगर आप कैन का केस लेते हैं वो आपको 2600 रुपये की कैन की पेटी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको 24 कैन मिलेंगे। और सिंगल बॉटल जो इसकी आती है वो 180 की है, और अगर आप इसकी 12 बॉटल लेंगे वो आपको 1600 के हिसाब से पड़ेगी, जिसमें आपको 12 बॉटल मिलेंगे। इनके बारे में मैंने आपको भी बताया था, बीरा के अंदर में ना एक नहीं कह सकते, 2 से 3 वैरायटी और भी हैं, ठीक है, जिसमें से पहली आपकी आती है बीरा राइस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियर। उसके बाद में आती है आपकी बीरा गोल्ड स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, यानी ये अकेली ऐसी बियर है जिसके अंदर में आपको स्ट्रॉन्ग भी मिलेगी, प्रीमियम भी मिलेगी, और साथ में वीट भी मिलेगी। अच्छा जी, हाँ, मिड लागर समर में आपको अगर बियर अपने लिए कभी भी लेनी हो तो उसके लिए मैं आपको बीरा ब्लॉन्ड प्रेफर करूँगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सर्दी गर्मियों में बहुत बिकती है लागर, जिनको लाइट बियर बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए सबसे बेस्ट बीरा लागर की। बीरा गोल्ड, बीरा ब्लॉन्ड और बीरा राइस, तीनों की खास बात क्या है कि तीनों के कैन का सिंगल प्राइस 230 है, ठीक है, और अगर आप इसकी पेटी लेंगे 24 कैन की वो आपको 3000 रुपये के हिसाब से पड़ेगी, जिसमें आपको 24 कैन मिलेंगे। चाहे आप बीरा गोल्ड ले सकते हैं सेम ब्रांड की, 24 कैन होनी चाहिए, या फिर बीरा ब्लॉन्ड या फिर बीरा राइस, ठीक है जी। और प्रीमियम लागर बियर में मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये आपकी हैनिकेन। हाँ जी, जो कि मेरे हिसाब से लागर में काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ठीक है, जिसका सिंगल कैन का जो प्राइस है वो 230 है, और बॉटल का भी 230 है। अगर आप इसका केस लेते हैं वो आपको 3000 रुपये के हिसाब से पड़ेगा, उसमें आपको 24 कैन आएंगे, ठीक है जी। तो क्या दिखाओगे शिवम भाई अपना नेक्स्ट? किंगफिशर के अंदर में हमने आपको अभी किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर लाइट दिखाई है, ठीक है। अब किंगफिशर के अंदर में मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जो कि प्रीमियम नहीं, अल्ट्रा। गुड़गांव के अंदर शायद ही कोई ऐसा बार, क्लब या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे इसके पॉइंट, बॉटल या कैन की पेटी आपको ना मिले। अच्छा जी, काफ़ी फेमस ब्रांड है, रेगुलर रनिंग बेसिस पे बिकती है लागर के अंदर, जिसका सिंगल बॉटल प्राइस 230 है। अगर आप इसका केस लेंगे वो आपको 2000 रुपये के हिसाब से पड़ेगा, जिसमें आपको 12 बॉटल, 2000 रुपये का मिलेगा 12 बॉटल। हाँ जी, इसी के अंदर एक किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स भी आती है, मतलब सारी कैटेगरी है हर बंदे के लिए, सारी कैटेगरी। मतलब ये कि किंगफिशर के अंदर में ना आपको 2 से 4 या 5 वैरायटी मिल जाएंगी, जिसके अंदर में ना अल्ट्रा मैक्स, जिसका अल्कोहल कंटेंट 5 up to 8% आपको मिलेगा। अच्छा, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि किंगफिशर लाइट या स्ट्रॉन्ग होने से इनके प्राइस की जो सेंसिटिविटी है वो कम या ज़्यादा नहीं कर रखे हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। अल्ट्रा मैक्स कैन की आप पेटी लेंगे वो भी आपको 3000 रुपये की पड़ेगी कैन की पेटी, जिसमें आपको 24 कैन मिलेंगे, और सिंगल कैन 230 है, ठीक है जी। हो गए शिवम भाई अपना नेक्स्ट। अब हरमन भाई, मैंने अब तक आपको ना सारी की जितने भी मतलब मोस्ट वो इंडियन बियर्स दिखाई होंगी, ठीक है, दिखाई हैं। अब ना कुछ ऐसी बियर्स में जाते हैं जो इम्पोर्टेड होती है, बहुत लोगों को पता नहीं है, लोग कई बार आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेड बियर हैं, लागर है, वीट है, जो कि मतलब आम लोगों को नहीं पता। इम्पोर्टेड बियर के अंदर में अभी हमारे पास जो ऑफर चल रहा है वो इस पर है, ड्रूग 11000, ड्रूग 11000, जिसका जो सिंगल कैन है वो 140 का, एज इट इज़ कैन
ये पेटी पर भी आपको इसी प्राइस से पड़ेगी, ठीक है। बट जो लोग लूज बियर यानी पेटी ना लेकर के लूज बियर लेते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ऑफर है। अच्छा जी, हाँ जी। तो इम्पोर्टेड के अंदर में मैं एक बियर आपको और बताता हूँ जो गुगो के नाम से आती है। भाई इसकी कैन तो काफी अट्रैक्टिव है, ये क्या है, मतलब ये उल्लू का मतलब क्या होता है भाई? ये इसका सिंबल सोनिक कैन की पैकिंग है, ठीक है। इसके अंदर में हमारे पास में अभी दो वैरायटी अवेलेबल है जिसमें से एक वीट है और एक स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, यानी जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग बियर पसंद है इम्पोर्टेड सेक्शन की वो बुआ स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको वीट बियर के अंदर में बुआ इम्पोर्टेड पसंद है वो ये ले सकते हैं, ठीक है। और इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका जो कैन का प्राइस है वो 200 है, चाहे आप बुआ स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं या फिर सेम प्राइस है। अगला मैं बता दूँ सिक्स फील्ड के बारे में, ठीक है, जो कि अब ब्लांच विट बियर है, ठीक है। ये आपको लाइट में मिलेगी और इसी का एक वेरिएंट आता है जो सिक्स फील्ड कल्ट के नाम से है, ये इसका दूसरा वेरिएंट है। हाँ जी, ये स्ट्रॉन्ग में विट बियर मिलेगी आपको, यानी ये जो विट बियर है ये लाइट में प्रीमियम जिसे कहते हैं और वो स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कैन इसका या फिर उसका 230 रुपये का है, ठीक है। और अगर आप इसकी पेटी लेंगे वो आपको 3000 रुपये की पड़ेगी जिसमें आपको 24 कैन मिलेगी। 3000 रुपये की पेटी मिलेगी? हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, क्या ये चैंग चांग क्या है? चैंग क्लासिक बियर, ये थाईलैंड की काफ़ी फेमस टॉप 7 कह सकते हैं, टॉप 6 कह सकते हैं। अच्छा, बियर्स में से एक है जो काफ़ी ज़्यादा बिकती है। अभी हमारे पास में इसका ना 330 ml कैन अवेलेबल है। अच्छा जी, हाँ जी, जिसकी जिसका कैन का प्राइस है 200। जैसा अभी थाईलैंड का नाम लिया था उसी चीज़ में, मतलब आपको ये बियर में मिल जाएगी। बारह सिंगा, हाँ, नाम इसका थोड़ा सा हिंदी स्लैंग में आ जाता है बारह सिंगा करके, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बियर है, जिन लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बियर पसंद होती है और वो अपने लिए इम्पोर्टेड सेक्शन में से अपने लिए लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक आपकी 12 सिंगा सबसे बढ़िया बियर है, उसका प्राइस सिर्फ 200 रुपये है। 200 रुपये प्राइस है? हाँ जी। और ये आपकी ना नेपाल की बियर है। अच्छा, हाँ जी सर। तो भाई चेक करो, यहाँ पे सारा है, मतलब नेपाल का सेक्शन है, थाईलैंड का सेक्शन है, मतलब सारी कंट्री भरी हुई है आपने। वैसे जितना हो सकता है हमारे पास में हम कलेक्शन उतना लेके रखते हैं अपने पास में, क्योंकि हमारे पास इस स्टोर पे या हमारे जितने भी स्टोर से ब्रांच है हर तरह का कस्टमर आता है। अच्छा, तो हिसाब से हमें कलेक्शन भी हिसाब से रखना पड़ता है, ठीक है जी। आपने अभी नाम लिया है ना, तो मैं उसकी एक और बियर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि सिंघा बियर है। सिंघा, हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेड बियर्स में काफ़ी बिकती है। अच्छा, बाकी ये इम्पोर्टेंट है वो तो ठीक है, बट इसका साइज़ क्यों छोटा कर दिया भाई? छोटा साइज है सर, इनके ना दो वेरिएंट आते हैं, एक 490 ml का आता है और एक 330 ml का आता है। अच्छा, इसी के अंदर में ना सेम ml के अंदर में आपको पाइंट भी मिल जाएगा, ये रहा। अच्छा, तो मतलब इनका प्राइस क्या होने वाला है? हाँ जी, इन दोनों का ही प्राइस 200 है, चाहे आप पाइंट ले लीजिए कैन ले लीजिए। थाईलैंड की काफ़ी फेमस बियर्स में से एक है। जो आपकी ब्रीजर है वो सिंगल 150 की है, 150 रुपये की है, ठीक है। इसकी अगर आप 24 पॉइंट का केस लेते हैं वो आपको 2700 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। तो जैसे ये फ्लेवर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये फ्लेवर के सेम प्राइस है? हाँ जी, इसमें आपको एक चीज़ का और बेनिफिट है कि अगर आप 24 पॉइंट की पेटी लेते हैं इसकी, तो उसमें आपको ना दो फ्लेवर हम मिक्स करके दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे इसमें फ्लेवर कई सारे आते हैं, ये आपका ब्लू ब्लैकबेरी क्रश, ये आपकी जमैकन पैशन, ठीक है, एक आपकी ये वाटर मेलन मिंट, ठीक है, और एक आपकी ये भी आता है ब्लूबेरी। तो ये मतलब सेम प्राइस है? हाँ जी, सबका सेम प्राइस, कुछ भी ले सकते हो आप। हाँ जी, दो फ्लेवर एक पेटी के अंदर आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और आपकी ये ना नेचुरल बियर्स जिसे कह सकते हैं आप, कि सीधे शब्दों में कहते हो फ्लेवर्ड बियर हम कहते हैं, बट ये नेचुरली अल्कोहल कंटेंट में बनाई गई एक बियर वो होती है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ यार, ये काफ़ी ज़्यादा ना अभी रिसेंट में ट्रेंडी हो रहा है, तो ये है क्या, एक बार इसको ज़रा समझाइए। जैसे आपने कभी वाइन ट्राई की हो, वाइन पी रखी हो, रेड वाइन, वाइट वाइन, इस तरीके की जो वाइन, तो ये उसी का ना एक कैन होता है। अच्छा, हाँ, जिसके अंदर 11% अल्कोहल कंटेंट होगा एंड 250 ml का ये एक कैन होता है। बेसिकली ये वाइन, वाइन इसे वाइन कैन कह सकते हो आप, वाइन कैन। वाइन आपकी 750 ml की आती है जो बड़ी बॉटल होती है, ये उसी का एक कैन है जिसके अंदर में आपको ना 3 से 4 वेराइटी मिल जाएगी। यानी एक टिल्ट बबली है, इसमें टिल्ट रेड भी आती है, टिल्ट वाइट भी आती है, टिल्ट रोजे भी आती है, 3 से 4 वेराइटी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मतलब आपके ना वाइन का एक कैन है जो 750 ml में पूरी आती है और इसमें आपको ये 250 ml की मिलती है। कहने का मतलब ये गाइस, मिनी वाइन का पैक है, अगर आपको बॉटल पीने का मन नहीं है तो आप
घूमते फिरते ये पी सकते हो। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका सिंगल कैन का जो प्राइस है वो 160 है। प्राइस जैसे कि आपने देखा, काफी सारे हमने बियर दिखाई, बियर की वैरायटीज दिखाई, प्राइस भी बताए, और बाकी खत्म करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बेशक लाइक जरूर करके जाना, और थैंक यू भाई अगेन हमारे शिवम भाई को। शिवम भाई के साथ अगली वीडियो हमने काफी सारी प्लान करी हुई है, तो सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, ताकि और भाई का भी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना, वहाँ पे वीडियोस आती रहती है डेली बेस पे। और जितने भी आपके बियर स्ट्रॉन्ग बीट जोन से भी बियर पीते हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। बिल्कुल।